हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर स्वागत है पार्ट थर्ड में। आई होप आपने पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू देख लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। तो उसमें मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाया, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हमने बात की है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग शेप की वजह से, अलग अलग शेप के कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। तो जो पहला टॉपिक हमारा वो है, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक तो मैंने आपको एम्पियर स्विमिंग रूल बताया था पार्ट वन में, अभी हम लोग इसके कुछ और रूल्स पढ़ने वाले हैं और फिर बाकी बातें करेंगे। तो इसमें स्टार लगा के पहला नोट करेंगे, नाम वो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहा था मैक्सवेल ने अपने राइट हैंड थंब रूल में? तो बड़ा ही सिंपल नियम है। इन्होंने ये कहा था कि आप अगर करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ लो, अब यहाँ पुटर जोक करता है, पकड़ लोगे बाल खड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये क्या जोक ढंग का लगाओ ना यार, कोई बढ़िया जोक बनाओ, है ना। ये क्या करंट का वायर पकड़ लोगे तो तुम ऐसे ऐसे हो जाओगे, कोई पागल है करंट का वायर पकड़ लेगा? और टेंथ के बच्चे हैं वो, थोड़े ना 4 6 वाले की मिट्टी खा रहे हैं, ऐसा ही ना होता यार। करंट का वायर पकड़ लोगे तो आवाज़ भी निकालते हैं, उन पता नहीं आवाज़ भी ऐसा निकालते हैं, ऐसा आवाज़ नहीं होता, चिल्लाते हैं करंट आता है तो। जब भी कभी करंट लगा तो लोग चिल्लाते हैं, ऐसा कोई जुजुस थोड़ा होता है, वो तो मूवी में दिखाते हैं। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कि अगर आप करंट कैरिंग वायर को क्या करो, अपने राइट हैंड में होल्ड कर लो, इस तरीके से होल्ड कर लो कि जो करंट का डायरेक्शन जो है ना, वहाँ आपका थंब होना चाहिए, आपका अंगूठा जो है उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ करंट जा रहा हो। अब करंट अगर ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे पकड़ लो, अब करंट अगर नीचे जा रहा है तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। देखो ना, करंट नीचे जा रहा है तो थंब ऐसे पकड़ना राइट हैंड में ही है, पकड़ना कहाँ पे है आपको, राइट हैंड पकड़ना है। ठीक है, तो राइट हैंड में किसको, फिर से देखो, ये तार हो गया, इसको रखो कन्फ्यूजन होगा, ये तार हो गया, करंट जा रहा है ऊपर, राइट हैंड में पकड़ लिया इसको इस तरीके से कि थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है ना, कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये तो साबित हो ही गया है कि मैग्नेटिक फील्ड होता तो है, अब किस तरफ होता है, कैसा होता है, उसके लिए आ गया नियम आपके सामने, जस्ट तैयार होकर बढ़िया फ्रेश। नियम क्या है कि कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, शॉर्ट में पहले बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, कि अगर आपका थंब जो है वो करेंट दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करेंट दे रहा है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है, कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या देगा, वो देगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चा लोग ये तो पढ़ लेता है, लेकिन इसका एक जस्ट रेसिप्रोकल है, मैं बस चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। ये तो मैक्सवेल का राइट हैंड नियम यहाँ पर आपने स्ट्रेट वायर के पढ़ा है, और शॉर्ट में यही चीज़ है कि थंब देगा अगर करंट तो कर्ल ऑफ फिंगर देगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ठीक है ना, देखेंगे इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी मैं बता दे रहा हूँ, उस टाइम पे पूछूंगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ CCC मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर, दोबारा इतना लिखेंगे नियम उसको। इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो दे देता है करंट, और जो थंब है वो क्या दे देता है, मैग्नेटिक फील्ड। बस मैंने बोला ना, अभी मैं बस बता के भी जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछवाऊंगा कब, जब आप सर्कुलर करंट कैरिंग पढ़ रहे होगे तब, अभी बस ये पढ़ रहा हूँ। मतलब ओवरऑल नियम ये है कि एक थंब का ध्यान रखो और एक कर्ल का ध्यान रखो, थंब का ध्यान रखो, थंब थंब थंब, कर्ल का ध्यान रखो, जिसको जो लेना है, थंब बोलेगा कि भैया हम लेंगे करंट, तो कर्ल बोलेगा हम देंगे मैग्नेटिक फील्ड।
अब जब सर्कुलर वायर का बात होगा तो सर्कुलर वायर थोड़ा सुन लो, सर्कुलर वायर में करंट तो ऐसे घूमता है ना, सर्कुलर वायर में करंट तो सर्कल में घूमता है ना, तो उस केस में थंब को कैसे ऐसे मोड़ोगे क्या? तो उस केस में कर्ल को ही सेट करोगे ना, तो उस केस में क्या करोगे, कर्ल को हम सेट कर लेते हैं करंट को देने के लिए, तो थंब दे देता है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका उल्टा है बस, ठीक है ना, जस्ट उल्टा है उसका। चलिए ओके, तो ये हम आप लिख लेंगे, अभी इसको फिलहाल मिटा रहे हैं, इसको हम बाद में आपसे पूछेंगे। ओके, अब जरा एक काम करो, सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, तो क्या बोलोगे कि इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इट इज़ यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड पता करने में हेल्प करता है किसकी वजह से, स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, सिंपल यही इसका यूज़ है। बोर्ड में पूछा भी था एक बार कि मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल जो है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ हेल्पफुल टू एक्सप्लेन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका एक बार स्टेटमेंट अच्छे से लिख लो, ये तो आपको याद करने के लिए है, क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that thumb shows the direction of current, thumb shows the direction of current, then curl of fingers shows the direction of magnetic field, curl of finger क्या देगा आपको, magnetic field देगा, या direction of magnetic field लिख लो या magnetic field लिख लो, एक ही बात है, यही है आपका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, शॉर्ट ट्रिक है, थंब मतलब करेंट तो कर्ल मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, चैप्टर में प्रैक्टिस का पूरा खेल है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं इस चैप्टर को आराम से, बिल्कुल है ना। देखो तो ये एक वायर है मान लो, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, अब बोला अरे भैया इसका बना मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, मैंने कहा तो लाओ दोगे तब ना, खुद ही रखा इधर लाओ, तो उसको लिया इधर लाओ, यही वायर है ना, ठीक है, मैक्सवेल क्या करें भाई, राइट हैंड में पकड़ लें, ऐसा पकड़ लें कि थंब करंट को दिखाए, अच्छा राइट हैंड में पकड़ लिया, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब जो है करंट दिखा रहा है, तो क्या होगा मैक्सवेल, कर्ल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, अच्छा कर्ल, रे घूम गया रे ऐसे, ये जो बना सर्कल एक यही सर्कल तो है मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट वायर थंब कर्ल, ये सर्कल कर्ल 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 सर्कल, पहला सर्कल मैग्नेटिक फील्ड, बोला अरे यहाँ पे कैसा होगा, ये वाला सर्कल, यहाँ कौन सा होगा, ये वाला सर्कल, वहाँ कौन सा होगा, वो वाला सर्कल, यहाँ क्या होगा, इतना वाला सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है ना लाइन से बहुत सारा, यही क्या है, यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, तो यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई पूछता है जल्दबाजी में, अरे भैया शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अरे बताना शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एक लाइन का जवाब क्या लिखोगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कैसा होता है, कंसेंट्रिक क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिसका कि सेंटर सेम हो, हमको थोड़ा मैथ भी आता है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स है कि मतलब सेंटर उसका सेम है, जितना सर्कल बनेगा ना सबका सेंटर सेम होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, जो वायर है ना वायर उसका जो एक्सिस है, वायर है तो वही एक्सिस हो गया, तो उसी का सेंटर पे उसका लाई करेगा। थोड़ा सा इसका डायग्राम समझ लेते हैं तो और अपने को आसानी हो जाएगी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है,
तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखे बस बाहर किसी को बताना नहीं है ना कि सर को गाना वाना भी आता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो क्या वो लोग फिर जिद करते हैं कि सर आप गाना वाना गाओ, ठीक है ना। तुम तो चुभी, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई करंट। ये दोनों ब्लैक ही निकल गया मार्कर ये। अरे भाई ब्लू आओ रेड आओ यार। हाँ तो इसमें करंट क्या जा रहा है? आई करंट जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो ऐसे पकड़ लिया, अब ऐसे पकड़ लिया तो सर्कल बनेगा ना। देखो सर्कल नहीं बनेगा, ऐसा सर्कल, ये घुमा एक, ये दूसरा, ये तीसरा भाई साहब, ये चौथा, ये देखो चलो लाइन से सर्कल 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 पर सर्कल पूरा, मतलब यह सर्कल याद दिया है पूरा मतलब। तो सबसे पहला सर्कल बना के देखो ना, लाल कलर से बनाते हैं। डॉटेड जो बनाएंगे ना वो समझना कि वो प्लेन के पीछे है, 3D बनाना है ना रे हमको तो। और जो बोल्ड वाला होगा सामने होगा, ठीक है। तो देखो ये पहला फील्ड है, देखा 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 क्या हुआ, ये लाइन है रे, देखो ऐसे गया ना, ये कर्ल घुमा श्याम जोम ऐसे, तो इधर घुमा आपकी तरफ, तो आपकी तरफ जो है वो ये जो दिख रहा है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये लाल वाला है। बढ़िया, देखो ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ना होगा एक ही तो होगा, और बनाओ और बनाओ, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, मतलब ये पीछे है, पीछे पीछे, और ये बना बढ़िया तगड़ा, ये लो बढ़िया, ये दूसरा वाला सोई 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 सोई, तीसरा बनाओ, टिक 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 टिक, और यूं टिक 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 जूम, देख रहे हो। तो ये बहुत सारी लाइंस बनी गई, इतना मतलब कि हम बना ही नहीं पाएंगे इतना, ये सब लाइन ऐसा 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 बन रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। अब इसको अगर कोई बोलेगा अरे हमको तो ऊपर देखना है ऐसे, देखो देखो कैसे, अरे भैया एक सर्कल एक और सर्कल एक और सर्कल एक और सर्कल एक और सर्कल, ऐसा बनेगा। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं एक मिनट के लिए, एक चीज आपको और सिखाते हैं, चलो ये नोट कर लिया ना आपने। अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन की बात करूं तो वो कैसा होगा, देखो मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, कितना है बी 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 बी, एक ही बार भी दो बार भी खतरनाक होता है। एक ही बार भी बोलना चाहिए ना अपने को, दो बार भी बोलेंगे तो खतरनाक हो जाएगा, एक ही बार भी बोलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी होता है। तो ये बी हो गया। हमको एक बच्चा पूछा सर आपका शादी हो गया, हम बोले कि तुमको इतना मेरा चेहरा पे खुशी रहता है, तुमको आज विश्वास होता है कि मेरा शादी हो गया होगा? और नहीं सर खुश तो बहुत रहते हो सर, वो वाले सर आते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे कह रहते हैं। हम बोले ठीक, कोई बात नहीं। तो बी हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें करंट जा रहा है ना, करंट, ये परफ्यूम है। अब एक बार परफ्यूम मारा तो क्या हुआ कि अब बगल वाला कोई बोलेगा अरे कम खुशबू आ रहा है, तो एक बार करंट गया थोड़ा, अब आपने दो बार एक दो तीन चार लगा दिया तो खुशबू बढ़ नहीं गया, फिर चार पाँच छः सात आठ दोस्त का मिल गया तो पूरा मतलब खत्म ही कर दी। तो जितना ज़्यादा इसमें करंट डालोगे उतना ही फील्ड स्ट्रांग बनेगा, सिंपल सी बात है। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, जितना बी जितना करंट उतना ही फील्ड स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। आर का मतलब होता है कि यहाँ से आप कितनी दूरी की बात कर रहे हो, क्योंकि हर दूरी पे एक सर्कल बनेगा ना, ये वायर है ना, इसके हर दूरी पे एक सर्कल बनेगा, हर दूरी पे एक सर्कल, हर दूरी पे एक सर्कल बनेगा। तो जितना दूर जाओगे, मान लो यहाँ पे हम परफ्यूम लगाए, कोई यहीं बगल में है वो बोलेगा कि सर परफ्यूम तो काफ़ी अच्छा है। अब क्या हुआ कि कोई बहुत दूर है उसको परफ्यूम आएगा ही नहीं, बोलेगा सर परफ्यूम नहीं लगाते हैं क्या आप ऐसा, तो क्योंकि बहुत दूर है ना वो। तो जब आर को डिस्टेंस को बहुत बढ़ा दोगे उस वायर से तो फील्ड कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो है आपका रिलेशन है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, ये आप सीख सकते हैं। चलिए इसमें आपको एक बात और सिखाते हैं, देखो जैसे कि मान लो कहीं पर क्या लिखा होता है कि कहीं लिखा होता है क्रॉस, है ना। तो क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाता हुआ, जैसे ट्रेन है ट्रेन, अब ट्रेन जब आपके पास से जा रहा है तो पीछे क्रॉस बना होता है। या एक तीर देख लो, अब तीर किसी ने छोड़ दिया पैसे करें, तो तीर जैसे छोड़ दिया तो तीर का पिछला हिस्सा जो होता है ऐसा होता है, तीर का पिछला हिस्सा ऐसा होता है, यूं जाता है ऐसे पीछे, ऐसा तो तीर होता बना हुआ। देखो तीर बन जा भाई, बच्चा लोगों को पढ़ना है रे, हाँ ये तीर होता है ऐसा निकलता है सोई ऐसे। तो तीर के पीछे क्या दिखता है, क्रॉस। तो जब भी कभी क्रॉस बना हो मतलब कि वो कहाँ जा रहा है,
अंदर जा रहा है, मतलब कोच अंदर जा रहा है। अब कहीं पे अब मान लीजिए तीर है, अब तीर को हम छोड़ दिया आपको कि आज तो आपको ऐसे छोड़ दिया, तुम याद करके नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, तीर छोड़ दिया से। अब तीर गया ऐसे करके, अब आपको तीर का क्या दिखेगा, तीर का सिर्फ डॉट दिखेगा आपको आगे, है ना। तो जब कहीं पे डॉट बना हो, डॉट मतलब वो क्या है, आउटवर्ड्स है। तो फिजिक्स में ध्यान रखेंगे, डॉट मतलब आउटवर्ड्स और क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स, यानी ठीक है। अब इसी तार को हमको अगर सामने बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे डॉट। अब समझदार बच्चा समझ जाएगा कि सर यहाँ करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर हम बना देंगे क्रॉस उस समझ जाएगा सर करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। बहुत आसान है समझना, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ डॉट बना हुआ है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। अब यहाँ पर नियम लगाओ, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। अब अगर करंट अगर बाहर जा रहा है, तो थंब अगर बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, समझ गए ना। अगर थंब ये तार हो गया, ऐसे तार हो गया बाहर जाता हुआ, यूं ऐसे बाहर जाता हुआ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, देखो अब ये ऐसा बना हुआ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाथ रख लिया, अब कर्ल को ऐसे मोड़ेंगे, लो मोड़ दिया, तो ये बना मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला, है ना। और फिर अब यही तार जा रहा है ना, अब थोड़ा और दूर पे जाके देखते, और दूर देखते हैं, तो ये एक और बना, और दूर पे ये एक और, और दूर पे ये एक और, और डायरेक्शन क्या होगा उसका, इसी को तो बना दिया ऐसे कर, थोड़ा फ्लैट करके अलग शेप में। तो अगर यहाँ से करंट उधर जा रहा है, अगर यहाँ पे डॉट बना हुआ है, तो करंट अगर बाहर जा रहा है तो देखो ना, इधर जा रहा है तो ऐसे मोड़ोगे टक टक टक, देखो ना थंब करंट बाहर जा रहा है, ऐसे मोड़ो उसको, राइट हैंड को मोड़ो, तो कर्ल को कैसे जा रहा है, इधर इधर इधर, तो ये इधर जा रहा है, मतलब कि एरो बना देते हैं आपके लिए हम, तो ये एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे एरो जा रहा है, देख रहे हो घूम रहा है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है घूमेगा इस तरीके। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि अगर करंट जो है वो प्लेन ऑफ पेपर से, अगर करंट प्लेन से, ये प्लेन बोलते हैं इसको, तो प्लेन से अगर करंट बाहर जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है। अब बताओ इसी में अगर यहाँ पे हम क्रॉस बना देते, तो क्रॉस मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो अंदर जा रहा है। यहाँ पे आई लिख के आएगा, आई आई आई, यहाँ लिखा हुआ है आई क्रॉस, मतलब क्या हुआ कि करंट यहाँ अंदर जा रहा है। अब करंट अगर अंदर जा रहा है तो करंट कैरिंग वायर को रखो इस तरीके से, पकड़ो कि उसका थंब जो है वो करंट को शो करे। तो करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ लिया, थंब ऐसे कर रहा, तो कर्ल देखो ऐसे घूम, नहीं घूम रहा, देखो तो कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ बनेगा तो सर्कल ही, बनेगा तो सर्कल ही, उसमें तो कोई डाउट रखो ही मत, बस फर्क ये है कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो चूंकि अंदर फील्ड जा रहा है तो इसको अंदर कर लिया और कर्ल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर एरो कैसे बनेगा आपका, यू बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लॉकवाइज बोलेंगे। यहाँ आंटी चली गई तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जब भी कभी करंट इनवर्ड है, ये करंट कैसा है, लिखेंगे यहाँ पे करंट आउटवर्ड्स। तो जब करंट आउटवर्ड्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट इनवर्ड्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, आपका क्लॉकवाइज बनता है। अब इसको क्या है, आपको याद नहीं करना, याद करोगे फंसोगे, कोई याद नहीं करेगा, इसको सीखना है आपको, ठीक है। एक चीज और सिखाते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये वायर है, अब करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो क्या बोलोगे, सर ये सर्कल बना दो ना, ऐसे लो थंब लो मोरो, बन गया सर्कल, है सर्कल बन गया। अब बोला सर्कल तो बन गया, लेकिन ये जो सर्कल बन गया ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना। अब लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, बोला सर कहाँ पर, तो ये जो सर्कल बना ना, ये सर्कल, अब बोलेगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इस पॉइंट पर सर्कल ये बना, यूं देखो थंब कर्ल ऐसे बना, तो इस पॉइंट फील्ड कहाँ होगा। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन के लिए ड्रॉ द टेंजेंट। अब इस पे टेंजेंट कैसा होगा, देखो देखो इस पे टेंजेंट उधर, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ पे इधर, ये पीछे मेरे ऐसे। तो ये सर्कल जो है ना सर्कल, उस सर्कल पे सिर्फ आपको टेंजेंट बना के डायरेक्शन दे सकते हो। कोई पूछे यहाँ पे भाई अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, तो ये बना सर्कल, अपना प्यारा सा सर्कल बन गया यहाँ पे। अब बोला इस सर्कल पे यहाँ फील्ड कहाँ पे, ड्रॉ द टेंजेंट, उधर होगा भैया उधर, बोला यहाँ पे उधर होगा, उधर उधर, यहाँ पे उधर, यहाँ पे उधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे
इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ, समझ में आ रहा है? अब बोलेगा कि यहाँ पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, उधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायग्राम हो गया, रिलेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस डॉट, सब बता दिया आपको। इसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तब तक यहाँ तक नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच।